खाना खाए बिना तो कोई इंसान रह नहीं सकता, रहेगा तो भूखा मर जाएगा। लेकिन कई योगी ऐसे होते हैं कि हजारों 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 साल तक, ऊपर टाबो मोनेस्ट्री का नाम सुना होगा आपने, वहाँ पे एक मॉन्क है कितने सालों से समाधि में लीन है वो। कहाँ पर है ये टाबो मोनेस्ट्री? टाबो मोनेस्ट्री कहाँ पर है ये? शायद जहाँ तक मुझे ले साइड, लद्दाख साइड की तरफ है। वहाँ पे एक मॉन्क है जो कि बोलते हैं कि अभी भी जीवित हैं और अपनी समाधि में लीन है। हाँ मैंने फोटोज में देखा है। हाँ, वो है ना? उनके नाखून बढ़ रहे हैं, दांत उनके बिल्कुल ठीक हैं। तो है ऐसे ही बहुत सारे। तो उनकी क्या कहानी थी, वो कैसे समाधि में बैठ गए थे? ये क्रियाएं रहती हैं, जैसे समाधियों की क्रियाएं रहती हैं। जैसे आप पहले एक नॉर्मल मेडिटेशन स्टेट से स्टार्ट करोगे, सप्तचक्र एक्टिवेशन के लिए जो मेडिटेशन होती है, हमारी बॉडी जो है पांच तत्वों से बनी है, सात चक्र स्थापित हैं। एक जो बोलते हैं कि एक चक्र हमारा जो ऊपर रहता है परमात्मा के साथ जो जुड़ता है, वो सब हाथ ऊपर रहता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है इंटररिलेटेड है आपस में, जो उसको एक्टिव करने के लिए समाधियाँ करते हैं, समाधि में लीन रहते हैं, ध्यान में लीन रहते हैं। तो वैसी तरह से ये सारी चीज़ें जो है सर्कुलेशन में भागती हैं। एक मिल्की वे के अंदर सिर्फ एक पृथ्वी है, इसका मतलब सिर्फ एक ही पृथ्वी नहीं है, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। नासा ने अभी अभी पीछे दिखाया है कि एक विष्णु जी के हाथ में जैसा डमरू रहता है, भोलेनाथ के हाथ में जैसा डमरू रहता है, वो डमरू उनको दिखा। अच्छा, गूगल पे आप सर्च करोगे वो मिलेगा। नासा भी अब इस चीज़ को मान रही है। लेकिन जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, बताते बताते धीरे धीरे हम अंदर घुसते जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हर एक चीज़ जो है एक ही चीज़ में समाहित है, वो है शक्ति, जिसका ना कोई अंत है ना कोई आरंभ है, जिससे सारी चीज़ें उत्पन्न हुई हैं, जिससे एक इंसान भी उत्पन्न हुआ है। तो जो हम बात कर रहे थे कि बच्चों को जो भारत हुए दिखते हैं, मेटावर्स की बात कर रहे थे हम, मेटावर्स, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे साथ एक जगह हो रही है अभी। एक जगह हम कहीं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके बैठ चुके हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं, और कहीं पे हम अभी तैयारी में है। ये चीजें चल रही है। एक मिनट गुजर चुका है, एक मिनट पहले है, एक मिनट बाद में, जहाँ पे हम खड़े हैं वो प्रेजेंट है। इसलिए जितना हो सके प्रेजेंट में जियो। बिल्कुल सही बात है।